अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्राहली सदरी व यस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बिज़िदनी इल्मा। चैप्टर नंबर 1, द कॉसेस ऑफ मिलिट्री टेक ओवर 1999, पेज नंबर 22-23। एसएलओस टू नो द कॉसेस ऑफ मिलिट्री टेक ओवर 1999। ओके स्टूडेंट्स, आवर न्यू टॉपिक इज़ कॉसेज ऑफ मिलिट्री टेक ओवर ऑफ 12 अक्टूबर 1999, यानी कि 12 अक्टूबर 1999 के फौजी कब्ज़े की वजूहात। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अयूब खान हैं, ज़ियाउल हक है, बिन नज़ीर पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई थी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बहुत ज़्यादा हालात कशीदा हो गए थे। तो उस वक्त जो है ज़ियाउल हक ने जो है वो मार्शल ला लगाया। फिर इसके अलावा हमने पहले से 9th क्लास में आपने पढ़ा कि अयूब खान ने मार्शल ला लगाया, या खान ने मार्शल ला लगाया। सो जब बेनज़ीर की हुकूमत आई, उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई, फिर बेनज़ीर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, और फिर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई। तो ये जो है लोग सेटिस्फाई नहीं थे, एहतजाजी मुजाहरे हुए, तो फिर मिलिट्री टेक ओवर मीन्स के जो फौजी कब्ज़े में आ गया ये जो, और ये जो है जैसे ज़ियाउल हक ने लगाया, या खान है, एस आई मेंशन्ड बिफोर अयूब खान ने लगाया, तो अब की बार जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो है वो लगाया कि मिलिट्री टेकओवर, उन्हें मतलब मुल्क को अपने कब्ज़े में ले लिया, कि जो है एक फौजी कब्ज़े में ले लिया। तो ये 12 अक्टूबर 1999 में हुआ। और ये बात मैं ये भी बताऊं, जैसे हमने पढ़ी थी कि जब जब अयूब खान ने जो है मार्शल ला लगाया था, तो उसकी क्या रीज़न्स थी, क्या कॉजेज़ थे, हमने उनको डिटेल में पढ़ा। तो अभी जो है ये उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें एक 23-24 पेज है जिसमें एटमोस्ट 6 जो हैं वो है हेडिंग्स हैं, और ये सारे उनके कॉजेज़ हैं कि इन बेस पे जो है वो जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो है मिलिट्री टेक ओवर यानी कि फ़ौजी कब्ज़े में मुल्क को ले लिया। क्योंकि ये सियासत इन लोगों से, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा मसले थे, इकोनॉमिक डाउन थी। तो ये जो सारा कॉजेज़ है ना, ये सारे कॉजेज़ वजह ये आप लोग ख़ुद स्टडी करेंगे, पेज नंबर 23-24, जिसमें सारे जो है वो हेडिंग्स मेंशन हैं कि क्यों फ़ौजी कब्ज़े में ले लिया। जैसे कि अयूब खान में था कि उन्होंने क्यों, उनकी क्या वजूहत थी कि अयूब खान ने मार्शल ला लगाया, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ के परवेज़ मुशर्रफ ने क्या वजूहत थी जिनके बिना पे फौजी कब्ज़े में मुल्क को ले लिया। और ये सारे जो हैं टेंथ क्लास में ये जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं ये ख़ुद पढ़ेंगे। इफ़ यू फील एनी एम्बिग्विटी देन यू कैन आस्क। नाउ मूव ऑन, the system of devolution of powers initiated by Parvez Musharraf with particular emphasis on local self-developed government. अब उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली और मुकामी हुकूमत, ये पेज नंबर उर्दू मीडियम के जो है वो 25-26 आएगा। सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट क्या थी। नाउ वी मूव ऑन लोकल गवर्नमेंट, मुकामी हुकूमत कहते हैं इसे। और ये जो मुकामी हुकूमत वो होती है जो कि आम लोगों के हाथ में हो, यानी कि जो आम लोग रन कर रहे होते हैं, मतलब इलेक्ट होते हैं वोटर्स के थ्रू इलेक्ट होते हैं, और जो आम लोग जो है, जैसे आप लोगों की यूनियन काउंसिल्स के हमें बारे में पढ़ा, ये भी सारा इंट्रोडक्शन अयूब खान के एरा में हुआ था। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम जो बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम जो 1959 में अयूब खान ने किया था, सेम एज़ इट इज़ परवेज़ मुशर्रफ ने भी लोकल गवर्नमेंट रखी, जैसे यूनियन काउंसिल हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये आम लोगों के हाथ में होती है, इसको आम जो है जो डोमेस्टिक पॉलिसीज यानी कि घरेलू पॉलिसी के तौर पर रन करते हैं लोकल लेवल पे, उनको मुकामी हुकूमत कहते हैं। मुकामी लोग ही मुकामी सतह की पॉलिसियां मरतब करते हैं, यही लोग जो होते हैं वो मुकामी सतह मींस के अपने ही दर्जे लोकल लेवल पे ही पॉलिसियां बनाते हैं, मंसूबे बनाते हैं और इन पर इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल
बैकग्राउंड, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ये किस किस ने अपने दौर में ये काम किया था, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट का जो डिवोल्यूशन सिस्टम है, जो लोकल गवर्नमेंट है, मुकामी हुकूमत है, ये अपने इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये किस किस ने अपने दौर में रखा था। एक वायसराय लॉर्ड रिपन का मुकामी हुकूमतों का निज़ाम, वायसराय लॉर्ड रिपन सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये एक जो था एक जनूबी एशिया में वायसराय लॉर्ड रिपन जो था उसने एक एक्ट के ज़रिए अपने जो जो मुल्क में जो है वो एक मुकामी हुकूमतों का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया था 1884 में साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में, और इसने ज़िला और तहसील की सतह पर मुकामी बोर्ड कायम किए थे, यानी जैसे नहीं जो है ज़िला है तो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हो जाती है, ज़िला कौंसिल, सो इस तरह की जैसे यूनियन कौंसिल से ऊपर ज़िला है, ज़िला डिस्ट्रिक्ट है, सो इस तरह की उसने छोटे छोटे लेवल तक पे ताकि हर बंदे पे अप्रोच हो सके। तो उसने जिनके ज़िम्मे मुकामी लोगों के मसाइल हल करना थे, इन यूनियन कौंसिल ज़िला तहसील के ज़िम्मे आम लोगों के मसाइल हल करना है, और आप अगर इन डिटेल में अगर पढ़ें ना तो आपको बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम तो उसमें क्लियरली मैंशन है कि यूनियन कौंसिल के ज़िम्मे क्या ज़िम्मेदारियाँ थी, डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मे, ज़िला के ज़िम्मे, हर इंसान के ज़िम्मे क्या ज़िम्मेदारियाँ थी। इसने ज़िला और तहसील के मुकाम पर बुनियादी बोर्ड कायम किए, लेकिन ये इदारे लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम रहे, क्योंकि इनके पास ना तो इख्तियार थे और ना वसाइल थे, क्योंकि इन लोगों के पास इतने इख्तियार नहीं होते, यूनियन कौंसिल ज़िला और ये जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं, इन लोगों के पास इतने वसाइल भी नहीं होते कि पैसा भी नहीं आता, और लोगों के जो मसाइल ज़्यादा होते हैं उनको हल करने के लिए कोई रिसोर्स, कोई मसाइल नहीं होते, और नो फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसा नहीं आता इनके पास, ना तो इनके पास इतनी अथॉरिटी होती है, ना इतनी पावर होती है कि जिनसे ये लोगों के मसाइल जो हैं वो उस दर्जे पे जाके वो सॉल्व कर सकें। तो ये एक नाकाम जो है रहा वायसराय लॉर्ड रिपन सिस्टम ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम था मुकामी हुकूमतों का, तो ये नाकाम रहा था क्योंकि ना तो उनको इतनी पावर्स दी गई, ना फाइनेंशियली उन्हें दिया गया, क्योंकि आम लोगों में क्या होता है कि आपने मुसाफिर खाना बनाना है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, किसी आप लोगों ने सड़कें बनानी हैं, आप लोगों ने अस्पताल बनाने हैं या छोटे क्लिनिक्स बनाने हैं, तो लोगों को ये सारी हेल्थ केयर्स जो ऑब्वियसली होती हैं तो ये मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि इन सब के लिए फाइनेंशियली चाहिए होती हैं और उनको पैसा नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट अय्यूब खान बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम यू हैव लर्न इन 9th क्लास कि अय्यूब जो साबिक सदर अय्यूब खान जिन्होंने पहला मार्शल लॉ लगाया था उन्होंने जो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था 27 अक्टूबर 1959 में और जिसके मुताबिक पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतों का एक निज़ाम लागू किया गया जिसे बुनियादी जमहूरियतों का नाम दिया गया तो जिसमें आप अवाम जमहूरियत मीन्स अवाम को अपनी मर्ज़ी से वोट देना इसका एक अहम मकसद ये था कि इख्तियारात को निचली सतह तक यानी कि हर एक बंदे पे हर एक मोहल्ले पे अप्रोच हो सके जैसे यूनियन कौंसिल था फिर टाउन कौंसिल उसमें आ जाता था उसमें इतने लोग होते थे और इसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड आ जाता था हमने उसको डिटेल में पढ़ा था 9th क्लास में और देन डिस्ट्रिक्ट है ये सारी चीज़ें रिलेट करी हैं डेट्स वाई मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ 9th क्लास का वो अय्यूब खान का एरा आवाम के मसाइल का हल को हल करना बुनियादी सतह पर इनके अपने नुमाइंदों के ज़रिए किया जाए यानी कि जो लोग वोटर से इलेक्ट होते थे यानी कि अगर आप एक पीटीआई का बंदा हमारे इलाके में इलेक्ट हुआ है हम वोट जीता है तो वो यूनियन कौंसिल बनेगा और यूनियन कौंसिल क्या होता है वो सारे बर्थ रिकॉर्ड आपका डेथ रिकॉर्ड रखता है इसके बाद वो सारी चीज़ें उसके अंडर होती हैं वो कोई स्ट्रीट बनाना कोई और मोहल्ले के या इस तरह के झगड़े वगैरह मसाइल को हल करता है ये निज़ाम कोई खातिर ख्वाह तब्दीली ना ला सका जो अय्यूब खान ने अपने एरा में किया था इस निज़ाम में भी कोई इतनी स्पेशल चेंजेस नहीं आई थी लिहाजा हुकूमत की तब्दीली के साथ ही जैसे ही हुकूमत अय्यूब खान की ख़त्म हुई ये निज़ाम भी ख़त्म हो गया फिर जब जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर आया तो तब भी मुकामी हुकूमतों का निज़ाम आया था लेकिन उस वक्त भी भुट्टो साहब के भी दौर में ये निज़ाम बेसिक जो डेमोक्रेसी सिस्टम का निज़ाम था ना चल सका अब जो है
अब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी था, वायसराय लॉर्ड रिपन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसने भी नाकाम रहा। अयूब खान ने भी, जब उसकी हुकूमत चली गई तो निज़ाम भी चला गया। भुट्टो साहब के भी दौर में जो था वो भी, ये जो रिजीम उनके दौर में था उस वक्त भी ये नाकाम हुआ। अब ज़ियाउल हक के भी दौर में जो है ये बुनियादी सिस्टम था, लेकिन जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास इक्तदार आया, मीन्स कि उसके पास पावर्स आई, तो उसने जो है मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को जो है वो दोबारा नाफिस किया, कि क्योंकि अय्यूब खान ने किया था तो उसने उसको दोबारा फॉलो किया कि अब ये निज़ाम उसमें थोड़ी सी फर्दर चेंजेस की। लेकिन मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात को दो दफ़ा करवाया गया, जब एक इंतखाबात नहीं उस सक्सेसफुल हुए तो उसने ये इंतखाबात लोकल जो गवर्नमेंट के थे वो दो बार करवाए, और ये निज़ाम मज़बूत बुनियादों पर कायम किया गया था। लेकिन इसमें आवाम की अक्सरियत का कोई ख़ास फ़ायदा ना हुआ, यानी कि आवाम को इससे कोई ख़ास इस निज़ाम से कोई ख़ास बेनिफिट हासिल ना हो सका। सो ये जो इसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखा, अय्यूब खान, भुट्टो साहब, ज़ियाउल हक, वायसराय लॉर्ड रिपन और देन परवेज़ मुशर्रफ, इन्होंने अपने दौर में ये निज़ाम कायम किए। उनका मकसद ये था कि हर इंसान को, हर मोहल्ले को अप्रोच किया जा सके उन्हीं के ही मेंबर्स के थ्रू, बट इतना ये सक्सेसफुल निज़ाम जो है वो नहीं रह सका। सो दिस इज़ योर टॉपिक। योर डायरी इज़ रीड एट लीस्ट ट्वाइस द कॉसेस ऑफ मिलिट्री टेक ओवर ऑफ 12 अक्टूबर 1999 में, यानी कि जो फौजी कब्ज़े के जो वजूहात थी वो क्या था। इंग्लिश स्टूडेंट्स एंड उर्दू स्टूडेंट्स इसको दो बार पढ़ेंगे और इसको अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे, एंड देन इफ़ एनी एम्बिग्विटी फील फ्री टू आस्क। इस ये आपकी डायरी है कि ये जो एक टॉपिक है इसको आपने ख़ुद पढ़ना है, एंड देन यू कैन आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। एंड देन रिवोल्यूशन ऑफ सिस्टम जो कि परवेज़ मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस इनिशिएट करवाया था, इसको आप थॉरली स्टडी करेंगे, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न दीज टू टॉपिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।